बिहार में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की रविवार को शुरुआत हुई। एक महीने तक चलने वाले इस मेले में आप एक ही जगह पर हिंदुस्तान की रंग बिरंगी संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। इस मेले को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे हरिहर छत्तर मेला के नाम से पुकारते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर, वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से कुछ किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेले को एक अलग पहचान दी है। एक समय पर इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। सोनपुर पशु मेले में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। एक जमाने में यह मेला जंगली हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी यहां से हाथियों की खरीद की थी। वैसे तो कुंभ को सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, लेकिन सोनपुर मेला, जिसके बारे में कहते हैं कि यहां सुई से लेकर हाथी तक मिल जाती है, ये मेला अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि कई सारी अलग चीजें लोगों को आकर्षित करती हैं। ये मेला लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है। इसमें तरह तरह के जानवर बिकते हैं। विदेशी इस मेले में भारी संख्या में आते हैं। इस मेले में बिहार के पारंपरिक छटा भी दिखाई देती है और खाने पीने से लेकर मनोरंजन की चीजें भी बेची जाती हैं। घरेलू सामान, रोजमर्रा की चीजें, पशु मनोरंजन के साधन आदि यहां बेचे जाते हैं, जो यहां की प्रमुखता है। 2003 में पशु पक्षियों की बिक्री पर रोक के बाद साल दर साल मेले की रौनक उजड़ती चली गई। वहीं खबरों के अनुसार सोनपुर मेले में हाथियों की बिक्री बंद होने के बाद कारोबारियों का क्रेज कम होता जा रहा है। 2007 के मेले में कारोबारी 77 हाथी लेकर मेले में पहुंचे थे, जो 2014 में घटकर 39 हो गई। 2015 में 17, 2016 में 13 और 2017 में सिर्फ 3 हाथी मेले में दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।